हेलो फ्रेंड्स, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा यहां पर बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आई हुई है, जो कि 10th पास है और साथ में ITI किया हुआ है आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के साथ। दोस्तों, यह बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो में बात करूँगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा यहाँ पर दिखाऊँगा आपको, शुरू से अंत तक, पेमेंट तक, कैसे आप हर स्टेप बाय स्टेप को देखिए, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप आसानी से ऑनलाइन एप्लीकेशन को भर सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको फटाफट बता दूं इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। चलिए मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इसका ये आया हुआ है ये एड, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ तुरंत फटाफट। इसके लिए मैंने अपने वेबसाइट पर सब कुछ बना दिया है, वहाँ से आप आसानी से सब कुछ देख सकते हैं। सारा लिंक आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ऑनलाइन डालने का सारा एड वगैरह। ये देखिए, जो कुछ प्रकार दोस्तों, ये CND ग्रुप का है और जो पद का नाम है वो असिस्टेंट ऑपरेटर है, स्विच बोर्ड ऑपरेटर है, जूनियर लाइनमैन है और टेक्नीशियन आपका ग्रेड 4 का है। कितने कितने पोस्ट है देखिए, इसके लिए 300 पोस्ट है आपको, स्विच बोर्ड के लिए आपका 1000 पोस्ट है, जूनियर के लिए आपका 500 पोस्ट है और टेक्नीशियन के लिए आपको 250 पोस्ट है। सैलरी दोस्तों देखिए, 9200 से 1550 के लिए सैलरी है आपको, ये रेगुलर पे मिलेगा आपको, 7th पे वाला। वहाँ पर आपको इंग्लिश में, जैसे मैं हिंदी में दिखा रहा हूँ फटाफट, कि यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता दोस्तों यहाँ पर है, मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक या समकक्ष था इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI होना अनिवार्य है। और ITI दोस्तों जो होना चाहिए वो NCVT यानी जो नेशनल लेवल पे है वहाँ से होना चाहिए, या फिर आपको स्टेट लेवल पे वहाँ से होना चाहिए। और जो एज लिमिट दोस्तों वो है जनरल के लिए 18 वर्ष से सिर्फ होना चाहिए, और SC ST के लिए 18 से 42 होना चाहिए, और EBC और BC के लिए 18 से 40 होना चाहिए, और फीमेल अनरिजर्व के लिए 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट डेट दोस्तों ये पर है कि आपको 18 तारीख से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये स्टार्ट हो चुका है, और अंतिम तिथि जो है दोस्तों वो 10 अक्टूबर है। पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 8 अक्टूबर तक है, और जो परीक्षा का जो डेट दोस्तों रखा गया है वो संभावित जो है वो लास्ट जो वीक है अक्टूबर का, उसमें रखा गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो फीस है जनरल OBC और EBC के लिए 1000 रुपये है, और SC ST के लिए 250 रुपये है, जो कि बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए। मोड पेमेंट जो ये दोस्तों ऑनलाइन है, ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको, ऑफलाइन का कोई यहाँ पर प्रक्रिया नहीं है। और जो आवेदन यहाँ पर ऑनलाइन करना है आपको, यहाँ पर इस पर जाकर मैं वही अभी आपको बताने वाला हूँ। हमारी वीडियो को जरूर देखिए आगे तक। जो चयन प्रक्रिया है वो आपको कंप्यूटर बेस्ड पे टेस्ट होगा, है ना। आप मैं ये जो अपना वेबसाइट है उसका लिंक मैं दे दूँगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सब कुछ लोड कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर परीक्षा का सिलेबस यहाँ से लोड कर सकते हैं, विज्ञापन यहाँ से देख सकते हैं, और ऑनलाइन डायरेक्ट हमारे यहाँ से आप क्लिक करके जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं, हमारे वीडियो को लास्ट तक जोर देखिए। चलिए, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को जोर दबा दीजिएगा, और दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पर वेबसाइट पर, अब हमारे जो वेबसाइट है वहाँ से भी डायरेक्ट यहाँ से आ सकते हैं। चलिए, हम यहाँ पर लिंक पे हैं और यहाँ पे क्लिक किए, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है आपको। चलिए, यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन है आपको पढ़ लेना है, और उसके बाद सबसे पहले आपको करना है रजिस्टर नाउ पे। अगर आप कर लिए हैं तो लॉगिन करना है। चलिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ शुरू से, रजिस्टर नाउ किए हम क्योंकि मैंने अब तक नहीं किया है। चलिए, आ गया, यहाँ पर दिखा रहा पोस्ट अप्लाइड फॉर प्रीफर्ड 1, 2, 3 एंड 4, यानी आपको जो भी प्रेफरेंस है आप चारों का दे सकते हैं। चलिए, हम देते हैं एक लाइन से जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप प्रीफर्ड कर सकते हैं अपने पोस्ट को। उसके बाद यहाँ दिखा रहा है क्वालिफिकेशन, यस वो चूज कर लेना है। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। चलिए, हम यस दे देते हैं क्योंकि बिहार के लोग इसे ज़्यादा भरेंगे। और कैटेगरी जो है यहाँ पर जो भी आपका अनरिजर्व ABC जो भी है भर लीजिए। डू यू वांट टू क्लेम रिजर्वेशन अंडर लैंड रूजर और लैंड डिस्प्लेस्ड, क्या आप हैं? अगर हैं तो यस कीजिए, उसका आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, नहीं है तो नो कीजिए। डू यू वांट टू क्लेम रिजर्वेशन अंडर फ्रीडम फाइटर, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के अगर रिजर्वेशन चाहते हैं, अगर है तो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद आर यू PHP, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, यस नहीं है तो नो कीजिए। और उसके बाद जो आपका नाम है वो डालिए, मिडिल नेम डालिए,
यहाँ डालना है लास्ट नेम, उसके बाद आपको जो डेट ऑफ बर्थ है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, आपको ईयर मंथ और डेज, जेंडर जो भी है डालिए अपना, और ईमेल एड्रेस, और जो आपका फ़ोन नंबर है वो मैंडेटरी है, जितना भी आप स्टार देख रहे हैं लाल लाल कलर का वो सब भरना जरूरी है, वरना ये फॉर्म सेव नहीं लेगा आपका। सब भर दिया, उसके बाद जो कैप्चा कोड है वो डालिए, और उसके बाद कि यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक करना है आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, और यहाँ पर दिखा रहे हैं आप सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। चलिए यहाँ पर क्लिक किए हम, ये देखिए मेरा जो रजिस्ट्रेशन स्लिप कंप्लीटेड, मेरा फर्स्ट स्टेप पूरा हो चुका है और मेरा आईडी पासवर्ड भी मुझे मिल चुका है। इस तरह से मेरा फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया, यहाँ से आप डायरेक्ट कंटिन्यू पे लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट वहाँ से जा सकते हैं या फिर वहाँ से जा सकते हैं। चलिए आप लॉगिन पे करते हैं क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। लॉगिन पे क्लिक किए, यूजर नेम और यहाँ पर डाले पासवर्ड, यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिखा रहा है वो डालना है आपको, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा, यहाँ देख रहे हैं आप पर्सनल एंड एजुकेशन डिटेल्स, मेरा यहाँ पर आ चुका नाम वगैरह जो भी है, एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, मेरा सब कुछ भरा हो जो पहले भरा था मैं आ चुका है मेरा। अब यहाँ पर डालना है फादर्स नेम, मदर्स नेम, जितना भी देख रहे हैं स्टार लाल सब भरना जरूरी है। आधार नंबर यहाँ पर देख रहे हैं ये जो लाल स्टार है, मतलब यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये कंपलसरी नहीं है, आप डाल सकते हैं छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है, चलिए हम छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ मांग रहा है आपका एड्रेस, स्टेट जो भी आपका है बिहार, सिटी जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको पड़ता है। चलिए अब डालते हैं अपना पिन कोड, फिर यहाँ डालना है आपको परमानेंट एड्रेस, अगर सेम है यहाँ पर टिक करना है, अगर नहीं है तो अपने साथ भर सकते हैं। चलिए मेरा सेम है, जिले में टिक कर दिया, मेरा सब कुछ ऑटोमेटिक आ गया। अब यह दिखा रहा है कि आपका एजुकेशनल डिटेल्स जो है वो भरना है, टेंथ पास में जो आपको जो सब्जेक्ट है वो डालना है। चलिए मेरा यहाँ पर लगभग सब रहता है, ऑल रहता है, चलिए यहाँ पर ऑल कर दिया मैंने। बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर क्या है, बिहार बोर्ड है मेरा, जो भी आप भर दीजिएगा। ईयर ऑफ पासिंग कब किया पास आपने, टेंथ, चलिए ये डालना है आपको। मैक्सिमम मार्क्स यानी जो आपका टोटल है वो डालना है, और यहाँ पर डालना है आपको ऑप्टेंड, उसमें से आपने कितना लाया था। चलिए उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है परसेंटेज, चलिए मेरा जो यहाँ पर डाल दिया मैं परसेंटेज। उसके बाद यहाँ बता रहा है कि आपका आईटीआई यहाँ सेट करना है, सब्जेक्ट जो आपका है, चलिए जो भी इसमें मांगा गया इलेक्ट्रिशियन वही भर सकते हैं इसमें फॉर्म, डाल दिया मैं यहाँ सब्जेक्ट एनसीवीटी। उसके बाद कब पास किया आपने, जो भी आपको ईयर डाल दीजिए। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर कितना था आपको, जो भी है डाल दीजिए, कितना मार्क्स लाए उसमें आप, और यहाँ पर डालना है आपको परसेंटेज। उसके बाद यहाँ पर टिक करना है और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू, आप एक बार चेक कर लीजिए अपने हिसाब से, अगर कुछ सही गलत हो तो चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मेरा सेकेंड स्टेप भी पूरा हो चुका है, अब यहाँ पर मेरा आ रहा है अपलोड फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर।
जो आपका पूरा हो जाएगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर ब्लू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरा अभी 3 नंबर पे अब है, यहाँ से आप अगर फोटो का अपना रिसाइज कर सकते हैं अगर छोटा बड़ा है तो। मैं देखिए यहाँ पर आपको बता दूँ एक बार कि फ़ोटो जो है वो 100 से 200 केबी के होना चाहिए, विथ 200 डीपीआई में होना चाहिए। डायमेंशन मैं दिखा रहा है आपको इतना होना चाहिए और सिग्नेचर भी 100 से 200 के बीच में होना चाहिए। चलिए हम डालते हैं अपना फोटो, चूज फाइल। देखिए अब आ गया फोटोग्राफ अपलोड सक्सेसफुली, मेरा फोटो अपलोड हो चुका है। और अब आते हैं हम सिग्नेचर में, देखिए मेरा यहाँ दिखा रहा है सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली, ये मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। देखिए मेरा ये दोनों पूरा हो चुका है, पर्सनल डिटेल और अपलोड फोटो सिग्नेचर। अब मेरा आ गया प्रीव्यू डिटेल, यहाँ आपको दिखा रहा है देखिए इस तरह का आपका, जो भी अपना चेक कर लीजिए सब कुछ मेरा ठीक है। यहाँ पर अपलोड हो चुका है मेरा, यहाँ पर आप चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं अगर कुछ गलत है तो, यहाँ से क्लिक करके। चलिए यहाँ से हम आप टिक किए और यहाँ पर कंटिन्यू टू पेमेंट। इस तरह से आगे अब मेरा सब स्टेप पूरा हो चुका है, यहाँ पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं मांगा है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिखा रहा है पेमेंट, यहाँ पर अमाउंट पे 1000, क्यों कि मैंने भरा था अनरजिस्टर्ड में। अगर आप SC ST हैं तो वहाँ से आपको 250 रुपये लगेगा मात्र। चलिए यहाँ पर हम टिक किए और यहाँ पर क्लिक टू पे, ओके। उसके बाद इस तरह का आपको आ जाएगा कि आपको किसे भरना है, कार्ड से भरना है, नेट बैंकिंग से करना है कि आपको कैश कार्ड या वॉलेट से करना है। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड में नहीं करना है मुझे, डेबिट कार्ड से करना है। जो भी आपका बैंक है उसको आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ कीजिए पे नाउ। उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाएगा अमाउंट जो भी है और यहाँ पर कंफर्म कीजिए। इस तरह का आ गया आपको, यहाँ पर इंटर योर कार्ड नंबर, जो भी आपका कार्ड का नाम है यहाँ पर एक्सपायरी डेट डालिए और यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करते ही आपका पेमेंट हो जाएगा और आपको जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिक आपका बन के आ जाएगा भरा हुआ और आप आसानी से अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है पेमेंट और कैसे आपको फॉर्म भरना है। कोई भी दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।